तुम तो कह रही थी कि वो तुम्हारी दादो चली गई है। वो नहीं गई है। क्या हो गया? आपको कोई गलतफहमी हो गई? ऐसा हो ही नहीं सकता। दादो को जितना गुस्सा था ना, वो कहीं रुकी ना जाए। गुस्से में बिल्कुल थी, वो अपना गुस्सा बिरयानी पर निकाल रही है। क्या? अच्छा, मैं जाके देखती हूँ। आयजल बाजी, आपको साहब बुला रहे हैं। आप जाए, मैं आती हूँ। जी आप तो जाए यहाँ से। कमाल, गुस्सा जरा कम कर। मैं देख रही हूँ आजकल तुम बहुत गुस्सा कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा पप्पो, कोई गुस्सा वगैरह, ऐसी दवाइयों का असर है। साहब जी, मैंने बोल दिया उन्हें, आ रही हैं। हाँ, थैंक यू। समझ रहे हो मेरी बात? क्या हुआ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अब आराम करूंगी। आपने बुलाया पापा? बैठो। आजल, शाम में हम तीनों के दरमियान एक बात हो रही थी, वो किसी अच्छे नोट पे खत्म नहीं हुई। मुझे लगता है कि उस बात को वहीं से शुरू करना चाहिए। आजल, मैं बहुत छोटा सा था तब से पप्पो को देखा है, जाना है, समझा है। पप्पो झूठ नहीं बोल सकते। तो पापा, आपको क्या लगता है, मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया, बल्कि काम करते हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है इस बात को एक तरफ कर देते हैं। इस बात की छानबीन शुरू करते हैं कि ये बात शुरू हुई क्यों। जानती हो कि मैं जिस बात के पीछे पड़ जाऊं उसकी तह तक जरूर जाता हूं। तो पप्पो, मेरा ख्याल है कल से मैं ये छानबीन शुरू करवा देता हूं। पापा, I'm so sorry। दादू सच कह रही हैं। मैंने ही कहा था दादू को आपसे बात करने के लिए। जब उन्होंने बात की तो मैं डर गई थी, मुझे लगा आप खफा हो जाएंगे। मैं तुमसे क्यों खफा हूं? बल्कि शर्मिंदा होता हूं मैं कि मैं तुम्हारी ये तरबियत ही नहीं कर पाया कि तुम्हें किस बात पे डरना चाहिए और कौन सी बात शेयर करनी चाहिए। एक्चुअली आई एम अ लूजर, मैं नाकाम हुआ तुम्हारी परवरिश में। I'm so sorry, Papa. I'm sorry. Dadu से sorry करो। Dadu, I'm sorry. सुनिए जरा मेरी बात मिस आयजल, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। क्या मतलब? जब तक माफ नहीं करूंगा जब तक आप पुप्पो को उस लड़के से नहीं मिलवाते, और कल ही मिलवाना है। ओके।
And by the way, कैसा है कैसा वो? अब आप खुद मिल लीजिएगा ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं चलती हूँ। अरे सुनो, ये शर्मा के गई है? शायद। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, बैठो। जी जी, पहले आप बैठ। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आयजल बहुत तारीफ करती है आपकी। आयजल ने जिस तरह आपके बारे में बताया, बिल्कुल वैसा ही पाया मैंने आपको। ऐसा कुछ नहीं है दादू, ये सिर्फ आपको मक्खन लगा रहा। बाकी आपको जो तसल्ली करनी है आप कर सकते हैं। क्या नाम बताया था? हाँ, दानिश। बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन होता है? वालदा थी, लेकिन उनका इंतकाल हो गया। बहुत अफसोस हुआ। और वालिद? वालिद इसी शहर में होते हैं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होती मेरी। एक्चुअली जब भी मैं उनका सामना करता हूँ तो मुझे उनकी वो तमाम ज्यादतियाँ याद आती हैं जो उन्होंने मेरी माँ के साथ की, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहता। मैंने अपनी माँ की जिंदगी में कभी उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं किया, हमेशा इज्जत की उनकी। लेकिन माँ के जाने के बाद मेरे पास कोई रीजन नहीं था वहां पर रुकने के लिए। फिर मैंने वो घर छोड़ दिया। तुम्हारे बाबा ने रोका नहीं तुम्हें? पूछा था मुझसे, मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा कि वहां जा रहा हूं जहां मुझे मेरी मां की याद ना है। मगर यकीन कीजिए कि ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर मुझे अपनी मां की याद नहीं है। खैर छोड़िए, मैंने आपको किन बातों में उलझा दिया। अब ये बताइए, कुछ लेंगे आप? अरे नहीं शुक्रिया। तुम्हारे कोई रिश्तेदार जो तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए है ना? आप लोग हैं ना? क्या आप लोग मेरे रिश्तेदार नहीं बनेंगे? हमने तो लाजवाब ही कर दिया। क्या मैं आपको दादू कह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखिए दादू, अगर आपको गारंटी चाहिए तो अपनी गारंटी तो सिर्फ मैं ही ले सकता हूँ। हाँ अलबत्ता, अगर आपको किसी दूसरे शख्स की गारंटी चाहिए तो वो सिर्फ मेरे वालिद ही दे सकते हैं।
मैं आपको उनका नंबर और एड्रेस दोनों दे दूंगा, आप उनसे जाकर मिल सकती हैं, मेरे बारे में पूछ सकती हैं। लेकिन आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जब आप लोग उनसे मिलेंगे तो मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं हूँ। प्लीज, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। कोई बात नहीं बेटा, फिर कमाल से बात करके तुम्हें जवाब देती हूँ। ऑर्डर करें। एक्चुअली अभी आया ना ऑफिस से, तो इसलिए थोड़ी देर होगी मुझे। इतनी सफाइयां क्यों दे रहे हो? मैंने यकीन कर लिया है। बाहर गाड़ी किसकी है? कौन सी गाड़ी? किस गाड़ी की बात कर रही हो? ये वाली तुम्हारी है गाड़ी? आइजल की। सर, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये गाड़ी तो अक्सर यहाँ पर खड़ी होती है। इनफैक्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो ब्राउन गेट है जहाँ पर जाकिर साहब रहते हैं, ये गाड़ी अक्सर उनके घर पर खड़ी होती है। लोग अभी अभी शिफ्ट हुए हैं वहां पर। गाड़ी सेम हो सकती है लेकिन नंबर प्लेट नहीं। मैं जानती हूँ ये आइजल की गाड़ी है। ऐसा हो सकता है आपने किसी दोस्त से घर आई हो? तुम मुझसे इस तरह सवाल कर रही हो जिस तरह वो मेरे घर आई? वैसा अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, तो तुम्हें ये पैसे देने की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये लो, ये पकड़ पैसे। थैंक यू। तुम रुको, यहाँ पर मैं जमा करवा कर आता हूँ। दानियाल, मैं आंटी से मिल सकती हूँ? तो मुझे भी इजाजत नहीं है उनसे मिलने की, उनकी हालत इस तरह की, लेकिन मैं मिलवाऊंगा तुम्हें इंशाल्लाह बहुत जल्द। दानियाल, मैं कैश लेके निकल गई हूँ, तुम हॉस्पिटल में हो ना? हाँ हाँ, मैं हॉस्पिटल में। बाहर ये शोर कैसा है? वो अम्मी की मेडिसिन्स लेने के लिए आया था। तुम एक काम करो, हॉस्पिटल आ जाओ, मैं अंदर ही हूँगा। ओके? फिर दादो, कैसा लगा आपको दानिश? सोच के बताऊंगी। क्या मतलब सोच के बताऊंगी? अरे, इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से तो नहीं हो जाएगा ना। फिर दानिश को आपने ये क्यों बोला कि आप पापा से बात करके बताएंगे? देखो बेटा, दानिश को ये पता होना चाहिए कि तुम अपने पापा की मर्जी से फैसले करती हो। उसको ये भी समझ होना चाहिए कि तुम अपने पापा की कितनी इज्जत करती। तुम नहीं समझोगी। बेटा, मोहब्बत के साथ साथ इज्जत भी बहुत जरूरी है।
वरना निभा मुश्किल हो जाता है। अब तुम दानिश को ही ले लो, उसके पापा ने उसकी मामा की इज्जत नहीं की तो दानिश भी नहीं करता। मिलना ही नहीं चाहता वो उनसे। दादो, पापा ने मामा को ज्यादा क्या दिया, मोहब्बत या इज्जत? दोनों। बस तुम्हारे पापा की ये गलती थी कि वो वक्त नहीं दे पाया। तैसे ने अच्छा ही किया, हकीकत तस्लीम कर ली, हार मान ली। अच्छा, हार तुमसे? सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लोगी। पता है रोहिब, मैंने तो अभी खेलना शुरू भी नहीं किया। मिस तहमीना नाम की पेशेंट होंगी यहाँ पे, आप रूम नंबर बता सकती हैं? कैंसर पेशेंट है। सॉरी मैम, इस नाम का तो कोई पेशेंट हमारे पास एडमिट नहीं है। मिसेस अरशद के नाम से चेक कर लें या दानियाल के मदर के नेम से? ओके, लेट मी चेक। सॉरी मैम, इस्लाम के भी कोई पेशेंट हमारे पास एडमिट नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, आप प्लीज दोबारा रीचेक कर लें, वो यही एडमिट थी। सॉरी मैम, आई रीचेक। थैंक यू। थैंक यू। हेलो, कहाँ हो तुम? जाहिर है हॉस्पिटल में। मैं हॉस्पिटल के करीब से गुजर रही थी तो सोचा आंटी की तबीयत पूछते हुए जाऊं। तुम कॉल ही नहीं उठा रहे थे तो रिसेप्शन जाके पूछा, मगर ये लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ तमीना नाम के कोई पेशेंट ही नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गया, अम्मी को मैंने दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ के डॉक्टर्स बहुत इनकॉम्पिटेंट थे और वैसे भी बहुत होपलेस बातें कर रहे थे। दानियल, तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ तो बता तो रहा हूँ तुम्हें। अब तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम मुझ पर शक कर रही हो। शक? ऐसा एक बात बताओ, इस तरह बिन बताए हॉस्पिटल में आने का मतलब? और तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैंने तुमसे झूठ बोला है कि मेरी अम्मी हॉस्पिटल में? मुझे तुमसे अभी मिलना है, बताओ कौन से हॉस्पिटल में हो तुम? इरशा, आई एम रियली सॉरी लेकिन मैं अभी बहुत बिजी हूँ, अभी मैं मिल नहीं सकता। सर वो खुरम सर लाइन पर है। अच्छा लिसन, मैं बाद में बात करता हूँ, बिजी हूँ अभी।
हेलो जी सर, नहीं एक्चुअली सॉरी मैं मीटिंग में था इस वजह से. जी 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 आई विल गेट दैट. या ओके. सर वो खुरम सर लाइन पर है. अच्छा लिसन, मैं बाद में बात करता हूँ, बिजी होगी मैं. ऐसा तो मैं पूरा यकीन है कि वो तुम्हें धोखा दे रही. पानो मैंने उसे खुद आइजल के साथ देखा है. ऐसा तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है ना. शायद ये मेरा वहम ही हो. मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ. दानियाल मुझे धोखा क्यों देगा? और ये भी तो हो सकता है कि आइजल के साथ कोई और लड़का हो. किसका फोन है? दानियाल की कॉल है. अरे तुम उठाओ ना. हेलो. ठीक है मैं आ रही हूँ. क्या हुआ? वो बुला रहा है मुझे, मैं जाऊँ? हाँ हाँ जाओ. मैं आऊँ तुम्हें छोड़ने? नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी. थैंक यू. अच्छा ध्यान से जाना. हाँ अल्लाह हाफिज. हालांकि ना खुश हो गई. खुश हो गई. खुश हो गई. थैंक यू. I'm really sorry. मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी जिस तरह मैंने की. तुम जानती हो कि मैं अपनी वालदा की वजह से बहुत परेशान हूँ. So, इसलिए कभी कभार I just lose it. It's okay. तुम जैसे भी मुझसे बात करो मुझे अच्छा लगता. नहीं इरसा, मुझे बुरा लगता. इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें खुद मिलकर पर्सनली एक्सक्यूज करूं. सो आई एम रियली सॉरी. क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? शर्मिंदा तो मैं हूं. मैंने कहा ना कोई बात नहीं. अच्छा छोड़ो इन बातों को. मुझे ये बताओ कि और पैसों की जरूरत तो नहीं है ना? क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बात कर रही हो तुम? पहले ही मैं तुमसे इतने पैसे ले चुका हूं. ऑलरेडी मैं बहुत एम्बैरस्ड हूँ. मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द तुम्हें वापस कर दूँ. कर देना अजनबियों वाली बात. नहीं इरसा, आई मीन इट. क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं. दानियाल मैं सोच रही थी ऐसा कब तक चलेगा. कैसा? यही जो हम इस तरह मिलते हैं. तुम क्या चाहती? पता नहीं. मेरी वालदा थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो फिर लॉयर से बात करते. लॉयर? हाँ अर्सा, शादी से पहले तुम्हें डिवोर्स तो लेनी होगी ना. क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं ऐसे. आप बताएं कैसा है लड़का?
लड़का तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात खटक रही है। वो क्या पप्पू? भाई वो अपने बाप के साथ नहीं रहता। जो लड़का अपने बाप के साथ निभा ना कर सके, बीवी के साथ क्या करेगा? ये ठीक कह रही है। लेकिन खैर, तुम अभी कोई फैसला मत करना जब तक उस लड़के से और उसके बाप से मिल ना लो। हमें आयसल की ख्वाहिश का भी तो एहतराम करना है ना। हम जितना इस मामले को आसान समझ रहे थे, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। पापा इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ जुबेरी, क्या हुआ? अच्छा, कब से? हाँ चलो मैं ट्राई करता हूँ, ये मॉल में सिग्नल्स नहीं आते वैसे। हाँ वही होगी, मैं कहता हूँ। ओके ओके बाय बाय। सब खैरियत है? वो एक्चुअली इरसा ऑफिस से कहीं बाहर निकली हुई है, कॉल कर रहे हैं वो रिसीव नहीं कर रही, कई दफा नंबर बंद आ रहा है। कहाँ गई होगी? शॉपिंग, और क्या करना है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कमाल की कॉल आ रही है, मैं चलती हूँ। हाँ पर थोड़ी देर बैठो तो सही। नहीं फिर बात करेंगे। ऐसा मेरी बात तो रिसीव किया? नहीं, मैं काम करता हूँ ना, मैसेज कर देता हूँ, जैसे देखेगी वैसे ऑफिस कॉल कर ले जुबैरी को। कर लेगी कॉल। खैर हम क्या बात कर रहे थे? कब क्या हो गया पप्पो? अब भी आयजल की शादी के हवाले से जो बात हो रही थी। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि अच्छा बाद में बताऊंगी, हाजल आएगी तो समझेगी कि हम पता नहीं उसकी गैर मौजूदगी में क्या बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कम हैव अ सीट। तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ, बल्कि तुम्हें देख के तो और बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मेरी वालदा थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो फिर लॉयर से बात करता हूँ। लॉयर? हाँ यार सर, शादी से पहले तुम्हें डिवोर्स तो लेनी होगी ना। अरे भाई आ रही हूँ, कौन है? सबर कर लो। इरसा? आओ। ऐसा क्यों लगा है सर कि जब तुम अपनी पसंद का इजहार करोगी तो मैं उसकी मुखालफत करूंगा? मैं मानता हूं कि बहुत अरसे से हम दोनों में कम्युनिकेशन गैप रहा,
उसकी वजह ये थी कि वो वक्त जो मुझे तुम्हें देना चाहिए था मैं नहीं दे पाया, बिजनेस के झंझट में फंसा रहा, पैसा कमाता रहा। लेकिन क्या करता बेटे, एक आम इंसान, सोच भी वैसी। मैं भी उन्हीं लोगों में से था जो ये समझते हैं कि मेरी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत पैसे की जरूरत होती है। अब जाके रियलाइज किया कि मेरी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए सिर्फ पैसे की नहीं, अच्छे वक्त की भी जरूरत होती है, जो हमें एक दूसरे को देना चाहिए। सो लड़के से मिलना है मुझे। आई वॉन्ट टू मीट हिम। इतना तो जानता हूं कि मेरी बेटी की पसंद है तो ऐसी पसंद होगी कि मैं इनकार ही नहीं कर सकूंगा। थैंक यू पापा। यू वेलकम। इतनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी। ये लो इरसा, पानी पियो। अब बताओ क्या हुआ, अब मुलाकात हुई उससे? क्या कहा उसने? उसने कहा है वो शादी करना चाहता है मुझसे। फिर अगर उससे पहले मुझे कमाल से डिवोर्स लेनी होगी। पर तुम क्या चाहती हो? मैं इरसा, मैंने जब भी तुमसे इस बारे में बात की है ना, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगी। अब इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि तुम साहब की बीवी भी रहो और दानियाल से मोहब्बत भी करती रहो। तुम्हें दोनों में से किसी एक को तो चुनना पड़ेगा ना, कोई फैसला तो लेना पड़ेगा। बानो कमाल बहुत अच्छे इंसान है, मैं कैसे उनसे कह दूं कि मुझे उनसे तलाक चाहिए।